हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईशा। आज मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है फूड चार्ट पर, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक हार्ड ड्राइंग शीट ली है, उसके ऊपर लेआउट बना लिया है। फिर सबसे ऊपर ब्लू कलर से मैंने फूड चार्ट हेडिंग दी है। फूड चार्ट के नीचे मैंने रेड कलर से सीरियल्स की हेडिंग दी है। अब सीरियल्स में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। उसके नीचे मैंने वीट, राइस, मेज, सोरगम पैक करके चिपका दिए हैं। फिर मैंने ब्राउन कलर से पल्सेस की हेडिंग दी है। फिर पल्सेस में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। कंटेन्स हाई प्रोटीन, फाइबर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें मैंने येलो पिगन, रेड लेंटन्स, बैक ग्राम बीन्स, चिक पीज पाउच में पैक करके चिपका दिए हैं। फिर मैंने पिंक कलर से नट्स की हेडिंग दी है। नट्स में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए है। सोर्स ऑफ फैट, फाइबर एंड प्रोटीन। इसमें मैंने कैश्यू और ऑलमंड्स पाउच में पैक करके चिपका दिए हैं। उसके साइड्स में मैंने ऑयल सीड्स की हेडिंग दी है। ऑयल सीड्स में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सोर्स ऑफ फैट एंड इसमें मैंने ग्राउंडनट और मस्टर्ड पाउच में पैक करके चिपका दिए हैं। और सबसे लास्ट में मैंने ऑरेंज कलर से स्पाइसेस की हेडिंग दे दी है। सोर्स ऑफ टेस्ट, अरोमा एंड फ्लेवर आल्सो एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। इसमें मैंने बे लीफ, ब्लैक कार्डमम, कार्डमम, ब्लैक पेपर पाउच में पैक करके चिपका दिए है। ये रहा मेरा कंप्लीट प्रोजेक्ट। कैसा लगा आपको मेरा फूड चार्ट का प्रोजेक्ट? अच्छा है ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।